या विधानसभा चुनाव में सभी बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियां भाग लेने के उत्सुक बैठी हैं। खासकर नई पार्टियां भी पार्टियों का गठन कर इसमें भाग लेने की तैयारी कर रही हैं। ऐसी ही एक पार्टी के गठन की घोषणा जलंधर के प्रेस क्लब में हुई। इस पार्टी का नाम बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी है और इसके अहदेदार ने जलंधर में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि उनकी पार्टी बेरोजगार के लिए है और हम आने वाले चुनावों में पूरी सरगर्मियों से भाग ले रहे हैं और हम पंजाब के उन बेरोजगारों को अपील करते हैं कि वे इसमें शामिल होकर पार्टी का बल बढ़ाएं। आज 26 फरवरी 2016 को हमारी बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी का उद्घाटन प्रेस क्लब में हुआ है, जिसके प्रभारी श्री अशोक कुमार जी हैं और हमने इस उद्घाटन प्रक्रिया से आज हमने पार्टी की लॉन्चिंग की है पूरे पंजाब में और हम पंजाब में पूरे दमखम के साथ उतर रहे हैं और पंजाब को एक वैकल्पिक चुनाव के लिए वैकल्पिक पार्टी के उद्देश्य से हम लोगों ने चुनाव को एक वैकल्पिक पार्टी के तौर पे उनको हम अपने को प्रस्तुत किया है। तो मुझे आशा है कि सभी लोग जितने भी लोग हैं सब लोग इस बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी से जुड़ेंगे क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरे देश से विकराल जो समस्या है बेरोजगारी की उसको यहाँ से खत्म करने के साथ साथ जाति और धन की जो राजनीति होती है और जो नेताओं की वायदा खिलाफी होती है इलेक्शन के दौरान चुनाव के दौरान उसके खिलाफ हम पूरी तरह से प्रखर हैं। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं आप सभी के माध्यम से कि पूरे पंजाब के निवासी हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और आगे आने वाले समय में हम लोगों को पूरी तरह से सफल बना करके हम लोगों को अपने सत्ता परिवर्तन की उसमें जुगाड़ में आगे रखेंगे।